चेन्नई सुपर किंग के पास मौका था पर ऐसा होने नहीं दिया केकेआर ने। पर अगर मुंबई इंडियन वहां से एक मैच हार जाता है जो तो चेन्नई सुपर किंग के लिए मस्ट विन गेम हो गया है दिल्ली में, वही पंजाब किंग्स के पास मौका है और चौथी जो टीम है वो आरसीबी भी हो सकती है। क्या ये आपका आखिरी साल? तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली नॉट, और वहां तो गावस्कर साहब ने भी उनसे ऑटोग्राफ लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। चेन्नई सुपर किंग के पास मौका था टेबल को टॉप करने का। अगर वो 2 पॉइंट केकेआर के सामने ले लेती तो 17 पॉइंट लेके टेबल पे आराम से टॉप पोजीशन पे बैठे होते, और 17 पॉइंट में तो क्वालिफिकेशन जो है वो पक्की थी। पर अभी क्वालिफिकेशन पक्की नहीं है। चेन्नई सुपर किंग को अपना आखिरी मैच जो अब दिल्ली के साथ है दिल्ली में, वो जीतना पड़ेगा। अगर वो नहीं जीतेंगे तो फिर उसके समीकरण मैं बाद में बताऊंगा। पर देखिए, धोनी को जब पिछली बार पूछा था कि क्या ये आपका आखिरी साल, तो उन्होंने कहा था कि डेफिनेटली नॉट, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो चेन्नई के क्राउड के सामने क्रिकेट खेलना चाहते हैं और उनको अलविदा अगर कहना है क्रिकेट को तो उनके सामने कहेंगे। और ये आज उन्होंने, क्योंकि लीग स्टेज यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो सबका शुक्रिया अदा किया है क्योंकि बहुत भारी भरकम में लोग वहाँ पे आए, उनको सपोर्ट किया, टीम को सपोर्ट किया, और वहाँ तो गावस्कर साहब ने भी उनसे ऑटोग्राफ लिए। बहुत बड़ी बात है। और ये अब दिल्ली जाएगी टीम, वहां से जीत के मुझे उम्मीद है कि वापस आएगी नॉकआउट स्टेज में, एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग के दर्शकों को अपने चहेते महेंद्र सिंह धोनी को देखने का दोबारा मौका मिलेगा। पर अगर नहीं मिलता है तो यू नेवर नो, हो सकता है धोनी अगले साल हमें फिर खेलते हुए देखे। और अगर नहीं दिखते हैं तो ये उन्होंने शुक्रिया अदा किया सबको अपनी तरफ से, रैकेट से बॉलें फेंकी, टेनिस बॉल, और सबको नमस्कार किया। भाई धोनी को जो प्यार मिलता है वो अलग है, वो वहाँ पे अलग लेवल पे हैं। आज देखिए, चेन्नई को चेन्नई में हराना मुश्किल होता है, पर वही काम किया केकेआर ने कि भाई स्पिनर अच्छे लेके गए, वहाँ पे स्पिनर इनके तगड़े हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं, सुरेश जया हैं, बहुत ज़बरदस्त इनकी गेंदबाजी है। तो जब गेंदबाजी स्पिनर करते हैं ना चेन्नई में, और मुकाबला वही होता है कि किसके स्पिनरों ने अच्छी गेंदबाजी करी, तो इसमें जाहिर हो गया कि कलकत्ता के स्पिनर्स दे वर बेटर देन CSK's स्पिनर्स, और आई थिंक उसी से जो आपका रिजल्ट जो है वो काफ़ी हद तक साबित हो जाता है कि कहाँ ये मुकाबला जाएगा। तो जब गेंदबाजी चल रही थी तब 144 पे आउट कर दिया CSK को, और CSK ये जानता था कि देखिए 15-20 रन जो है वो कम बने हैं, क्योंकि 165-170 के बीच जब स्कोर बनता है तो CSK बड़ी अच्छी तरीके से गेम चलाता है, फिर वो प्रेशर जो है वो बनता है, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर भी जो है वो मिल जाता है बॉलर्स को। पर बहुत अच्छी गेंदबाजी के चलते 144 रन ही बने CSK के, और जब KKR चेज करने आई बड़े आराम से ये टोटल को चेज कर दिया। बहुत ज़बरदस्त पारी वहाँ कप्तान नितिश राणा की, नाबाद रहे, 57 रन बनाए 44 गेंदों में, 6 चौके और 1 छक्के की मदद से, और उनका साथ दिया रिंकू सिंह ने जो इस IPL के बहुत बड़े स्टार बने हैं इस IPL से, और इस IPL में उनका बल्ला खूब बोला है, ऐसा बोला है कि उन्होंने दिखाया अपना दमखम। आज 54 रन बनाए 43 गेंदों में, 4 चौके 3 छक्के, बढ़िया पारी। ये इनका सीज़न बहुत अच्छा जा रहा है, मैं तो देखना चाहूँगा इनको भारतीय टीम में, और उम्मीद करते हैं कि इनको मौका मिलेगा, जल्दी मिलेगा, क्योंकि ये छोटे फॉर्मेट के लिए तो ये तैयार है, ब्रिलियंट फील्डर है, और रनों की तो भाई इन्होंने ढेर लगा दिए। तो रिंकू सिंह वॉज ब्रिलियंट। तो ये 2 पॉइंट जो है ना ये नितिश राणा की टीम ने ले लिए हैं, और अभी 14 पॉइंट पे इनका मामला ख़त्म होगा अगर ये अगला मैच भी जीत जाते हैं। पर अब चेन्नई सुपर किंग के लिए अगला मुकाबला जो है वो और भी ज़्यादा वो बन गया है कि अगर वो अगला मुकाबला नहीं जीतते हैं तो वो रह जाएंगे 15 पॉइंट पे। अगर वो 15 पॉइंट पे रह जाएंगे तो फिर क्वालिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि LSG और मुंबई इंडियन का एक मैच बचा हुआ है। मुंबई इंडियन के पास वो मौका है कि वो अपने दोनों मैच जीत के वो जा सकते हैं 18 पे भी। पर अगर मुंबई इंडियन वहां से एक मैच हार जाता है, जो कि एक सनराइजर के साथ है और एक सामने है मुकाबला LSG के सामने, तो मुंबई इंडियन भी रह जाएगा 16 पे। अगर मुंबई इंडियन दोनों जीत जाती है, दैट मींस कि LSG एक मैच हार गई, तो LSG का भी जो है मामला तकरीबन 15 अंकों पे रह जाएगा। अगर 15 अंकों पे LSG भी रह गई तो फिर LSG और चेन्नई सुपर किंग में से देखा जाएगा कि भाई कौन सा जो टीम है उसकी एवरेज किससे बेटर है। तो चेन्नई सुपर किंग के लिए मस्ट विन गेम हो गया है दिल्ली में दिल्ली के साथ, और अगर वो मैच हारते हैं तो फिर बाकियों के रिजल्ट के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी कि बाकी की टीमें क्या कर रही हैं।
वही पंजाब किंग्स के पास मौका है कि अपने अगले दोनों मैच जीते और वो भी 16 पे पहुंच जाए। तो अभी टेबल जो है वो काफ़ी खुला हुआ है, पर उम्मीद करते हैं कि जो चार टीमें जो मेरी सोच कहती है वो यही होनी चाहिए। देखिए मुंबई इंडियन एक जीटी तो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँची हुई है, चेन्नई सुपर किंग मुझे लगता है कि समहाउ वहाँ पहुँच जाएगी, और चौथी जो टीम है वो आरसीबी भी हो सकती है, और वहाँ पे देखिए पहुँचने के लिए तो एलएसजी भी पहुँच सकती है, बट आरसीबी ने आज जो मैच जीता उससे थोड़े से उनके असार जो है वो और बढ़ गए हैं, कॉन्फिडेंट टीम लग रही है। तो देखते हैं कि चौथी टीम कौन सी होगी, बट तीन जो टीमें हैं ऊपर वाली मुझे तो वो लग रही हैं कि तकरीबन वही टीमें होंगी। अगर आपको कुछ अलग लगता है तो आप अपनी राय दाग दीजिए, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर जल्दी अगले वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।